अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना प्रैक्टिकल नंबर जो है वो सिक्स करना है। बेसिकली प्रैक्टिकल नंबर सिक्स जो है इसमें हमने जो करना है वो ये है कि हमने फ्लो मेजरमेंट करनी है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल वियर। ठीक, हमने ट्रेपेजॉइडल वियर को इस्तेमाल करते हुए फ्लो को जो है वो फाइंड करना। हमने लास्ट दो प्रैक्टिकल में क्या किया था, हमने लास्ट वाले प्रैक्टिकल के अंदर रेक्टेंगुलर वियर जो है वो यूज़ किया था फ्लो को फाइंड करने के लिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर वियर के बाद हमने फिर ट्रायंगुलर वियर को यूज़ किया था फ्लो को फाइंड करने के लिए। आज जो है हमने क्या करना, हमने ट्रेपेजॉइडल वियर से जो है वो यही काम लेना। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल वियर जो है इसका सारा प्रोसीजर, इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला सारा ऑपरेटस, ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ जो है वो इन्हीं दो वाली है। सिर्फ और सिर्फ इस वियर की जो शेप है वो डिफरेंट है। इसकी शेप जो पहले वाला जो वियर था, हमें याद है कि बेसिकली उसमें क्या होता था, एक वियर जो था उसकी शेप कुछ ऐसे हुआ करती थी। ठीक है, ये मैं इसका फ्रंट व्यू जो है ना वो फ्रंटल व्यू जो है इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम कहते थे कि जी ये जो 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 सरफेस जिसके ऊपर से पानी गुजरता है, जिसके ऊपर से बेसिकली पानी गुजरता है, ये जो है हम कहते थे कि जी जिसके ऊपर से पानी गुजर रहा है ये बेसिकली क्या है, ये है वियर की क्रेस्ट। और हमने जो इसको जो कहा था कि इसकी लेंथ जो है ना, ये जो क्रेस्ट की लेंथ है, इसको हम सपोज करते थे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल एल। ठीक है, हम कैपिटल एल से इसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करते थे। और ये जो क्रेस्ट से ले के पानी के टॉप तक का डिस्टेंस हुआ करता था, हम कहते थे कि जी ये जो है ना बेसिकली वियर का जो है ना ये वाला ये हेड है, और हेड को हम रिप्रेजेंट करते थे किसके साथ, एच के साथ। हमने कहा था कि ये दो पैरामीटर जो है, सिर्फ आपने दो पैरामीटर फाइंड करने होते हैं और आपने इसको फार्मूले के अंदर जो है इंसर्ट करना होता है। फार्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, ज़रब सी डी ज़रब 2g का अंडर रूट। ठीक है, फिर ज़रब लेंथ ऑफ क्रेस्ट और ज़रब हेड ऑफ वाटर, वो जो एच था, और उसकी रेज टू पावर 3/2। ठीक है, हम लोगों ने ये, जिसने इस फार्मूले को सही जो है ना उसमें देखना हो वो बेसिकली वो लेक्चर जो है उसको रेफ़र कर ले, उसके हमने नोट्स जो है अपलोड किए हुए हैं LMS के ऊपर, और आपको कईयों को तो हर याद भी होगा ये वाला। सही है, फिर हमने कहा था कि जी अगली मरतबा जो है ना वो हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, हम लोगों ने अगली मरतबा यूज़ किया था एक ट्रेपेजॉइडल वियर, वो कुछ इस तरीके से उसकी शेप थी। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो जो कुछ ऐसा था ट्रायंगुलर वियर। ठीक है, इसके अंदर जो हेड ऑफ वाटर था ना वो हमने कुछ ऐसे जो है ना वो रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्रेस्ट की कोई लेंथ नहीं थी। ठीक है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या चीज़ थी, इसके अंदर हमने कहा था कि जी जो वियर की नॉच है ना, जहाँ से ये शुरू हो रहा है यहाँ से लेके टॉप तक का डिस्टेंस, हमने कहा था कि ये बेसिकली होता है एच। एक ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो बेसिकली है ये वाला एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एंगल, और इसको हमने जो है वो नाम दिया था थीटा का। हमने कहा था कि ये एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर जो हमने इसका जो कहा था कि जी आप ये एच फाइंड कर लो और ये थीटा फाइंड कर लो। ठीक है, और हमने कहा था कि जी ये करने के बाद आपने करना क्या है, ये दोनों जब फाइंड कर चुको तो फिर आप इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर पुट करो। वो क्या था, 8/15
ضرب سی ڈی ضرب انڈر روٹ آف 2g. ٹھیک, 2g کا انڈر روٹ جو ہے نا وہ لیتے تھے, پھر ضرب ٹین آف جو آپ کا تھیٹا ہے نا اس کو, اب میں تھیٹا کو جو ہے میرے پاس کوئی کی بورڈ کے اوپر نا ایسا کوئی وہ اسپیشل کریکٹر کا لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو لکھ سکوں, تو میں بیسیکلی تھیٹا کو جو ہے نا وہ تھیٹا ہی لکھ دیتا ہوں پورا. ٹھیک ہے, جو آپ کا تھیٹا تھا اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 2 کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب تھیٹا جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 2 کے ساتھ اور پھر 10 لینا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا, اور پھر ضرب ہو گیا ایچ ریز ٹو پاور 5/2. یہ تھا ہمارا ٹرائی اینگولر ویئر کا فارمولا. اب جو ٹریپیزائڈل ویئر ہے وہ سب سے آسان ہے ان میں سے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو ریکٹینگولر ویئر کا آتا ہے سارا کچھ سمجھ میں آتا ہے, اور اگر ٹرائی اینگولر ویئر کا سمجھ میں آتا ہے تو ٹریپیزائڈل ویئر تو آپ کے لیے چیز ہی کچھ نہیں ہے. کیوں چیز کچھ نہیں ہے؟ سمپل سی بات ہے, ٹریپیزائڈل ویئر کو اگر میں ڈرا کروں گا نا تو وہ کچھ ایسا ویئر ہوتا ہے. ہو گیا ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے جو پانی گزر رہا ہے وہ بالکل اتنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ہم اسے بولتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ہیڈ آف واٹر, یہ والا یہاں سے لے کے اس ویئر کی جو کریسٹ ہے وہ یہ والی, یہ جو ڈسٹینس ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ جی یہ اچھا. ٹھیک, یہ بیسیکلی ہیڈ آف واٹر. ٹھیک ہو گیا, اب چیک کرو کہ ٹریپیزائڈل ویئر جو ہے یہ ہے کیا ایکچولی. میں اس کو جو ہے نا تین سیکشنز میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. میں کیا کر رہا ہوں, ان کو تین سیکشنز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہوں. ایک یہ سیکشن ہو گیا اور ایک جو ہے وہ یہ والا سیکشن ہو گیا. ٹھیک, اس میں کوئی ایشو والی بات تو نہیں ہے. یہ بیسیکلی میں نے کیا کیا, ایک یہ سیکشن ہو گیا, ایک یہ سیکشن ہو گیا, ایک یہ ہو گیا. کیا خیال ہے یار, اگر آپ نوٹ کرو, اگر میں اس والے سیکشن کو 1 کا نام دے لوں, اس والے سیکشن کو جو نیکسٹ والا ہے اس کو 2 کا نام دے لوں, اور جو یہ والا سیکشن ہے جو اینڈ پہ ہے اس کو میں 3 کا نام دے لوں, تو کیا خیال ہے جو 2 ہے, سیکشن نمبر 2 ہے, وہ تو ریکٹینگولر ویئر نہیں لگ رہا ہے نا, ریکٹینگولر ویئر ہی لگ رہا بالکل. اور جو 1+3 جو ہے کیا یہ دونوں ملا کے آپس میں ٹرائنگولر ویئر نہیں بنا رہے؟ کیا کیا ہے کہ نہیں, یہ اور ان کو ملا دو دونوں آپس میں تو پورا یہ ٹرائنگل نہیں بن جاتا یہ والا, اور یہ تو خیر ہے ہی ایسا. تو کیا خیال ہے کہ اگر یہ ریکٹینگولر ویئر اور ٹرائنگولر ویئر کا مجموعہ ہی ہے تو کیا خیال ہے اس کا ڈسچارج فائنڈ کرنے کے لیے اس کا فارمولا اور جمع اس کا فارمولا نہیں آ جائے گا؟ ہاں جی, یہ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے وہی ہوگا کہ کیو از اکول ٹو, ہم پہلے بڑی بریکٹ پٹ کر لیتے ہیں جیسے نوٹس کے اندر ہے, تو 2/3 ضرب سی ڈی ضرب انڈر روٹ آف 2g. انڈر روٹ کا مطلب ریز ٹو پاور 1/2 ہوتا ہے, تو میں اس وجہ سے جو ہے نا ہمیشہ جب انڈر روٹ بولوں تو اس کی مطلب یہی ہے کہ ریز ٹو پاور جو ہے وہ 1/2 ہی ہے. ریز ٹو پاور 1/2 انٹو لینتھ آف کریسٹ. اب اس میں لینتھ آف کریسٹ کون سی ہے؟ اس میں لینتھ آف کریسٹ ہی, میں ساتھ میں انڈیکیٹ بھی کر لوں بس آپ کی آسانی کے لیے, اس میں جو لینتھ آف کریسٹ ہے نا وہ یہ والی ہے. پھر ضرب ایچ ریز ٹو پاور 3/2. ٹھیک ہے, پھر آگے جمع بریکٹ, جو بڑے والی بریکٹ اسکیئر بریکٹ, کیا آ گیا 8/15 ضرب سی ڈی ضرب انڈر روٹ آف 2g, مطلب ہے کہ ریز ٹو پاور 1/2 ہی ہے نا بھائی.
हो गया, आगे आ गया ज़रा, टेन ऑफ ब्रैकेट में लिख दिया थीटा बाय टू, और फिर ज़रब एच रेस्ट पार 5/2। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके जो है वो इसका जो है वो डिस्चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिकली थीटा बाय टू लिखा है ना, मैंने मैंने बेसिकली थीटा बाय टू लिखा है इसके लिहाज से, जो ये पूरा थीटा होता है इसका 2/1 है। जो यहाँ पे थीटा बाय टू है ना, इधर थीटा बाय टू इसलिए नहीं आना कि आधा ट्राइंगल ये वाला है और आधा ट्राइंगल जो है वो ये वाला है। तो जब आप इसमें थीटा फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास जो ऑलरेडी एंगल है, जो आपके पास ऑलरेडी एंगल आना है ना, वो आना ही क्या है, आधा आना है। ये भी आधा है ऑलरेडी, ये थीटा बाय टू है, और ये भी ऑलरेडी जो है वो क्या है, ये थीटा बाय टू है। तो आपने ध्यान करना है, जब आपके पास ये वाला एंगल आए, ठीक है, यहाँ तो आपने अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे थीटा, ठीक है, बाय टू से, ठीक है। अगर आपने थीटा बाय टू कन्फ्यूज़ करता है आपको, तो जैसा उसने इस फार्मूले में किया हुआ है, आप इसको थीटा बाय टू की जगह बोल दो अल्फा, इस एंगल को जो ये वाला एंगल बनता है इसको आप अल्फा बोल दो, ठीक है। तो आप यहाँ तो इसको थीटा बाय टू बोलोगे, यहाँ क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे। तो हम इसको जो है बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिलहाल इस फार्मूले के लिए हम इसको बोल देते हैं अल्फा, जैसा उसने यहाँ पे लिखा हुआ थीटा। अल्फा बेसिकली है थीटा बाय टू ही, लेकिन चूंकि हम एंगल को जो है इस वाले के अंदर, ये जो वाला जो एंगल है इसको अगर थीटा बाय टू लिखते हैं ना, तो ये कन्फ्यूज़ करता है कि थीटा बाय टू क्या मतलब। आप लिख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, आप लिख सकते हो उसको थीटा बाय टू, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आप ये एंगल ले लो, चाहे आप ये एंगल ले लो, ये दोनों एंगल हैं एक्चुअल में थीटा बाय टू ही, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं तो आप इसको सिंपल अल्फ़ा भी जो है वो लिख सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे इसको अल्फ़ा एंगल लिखा हुआ, ठीक है। तो एंगल है बेसिकली यही वाला, इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझसे सवाल करने आपने, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इसके अंदर, बड़ा सिंपल सी बात है। दोनों को आपने जो है ना मल्टीप्लाई किया, दोनों को सॉरी ऐड किया फार्मूलाज के अंदर, ये रेक्टेंगुलर वेयर का फार्मूला है, ये ट्राइंगुलर वेयर का फार्मूला, दोनों को ऐड किया, तो अल्टीमेटली आपके पास किसका फार्मूला आ गया, आपके पास आ गया ट्रेपेजॉइडल वेयर का फ्लो फाइंड करने का। अच्छा, अब इसमें इस फार्मूले को यहाँ देखो और इसके जो पैरामीटर हैं वो पढ़ लो। ये सी डी जो है फॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, उसकी वैल्यू 0.6 से 0.8 होती है। आपका एग्जाम में दी होगी, नहीं दी हुई तो आप 0.6 से लेकर 0.8 तक कोई वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक होगा आंसर आपका। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी जो है वो आपको पता ही, 9.8। ये जो है अल्फा, ये एंगल ऑफ वियर, मतलब एंगल ऑफ वियर का मतलब यही वाला है, ये बेसिकली अल्फा इक्वल टू थीटा बाय टू ही है, ठीक है। तो चाहे आप उसको थीटा बाय टू लिख दो, चाहे आप उसको अल्फा लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आगे एच जो है वो क्या है, वो हेड है, ये डिस्टेंस दोनों के अंदर, ठीक है। इसका एच भी यही है और इसका एच भी यही है। एंड वॉट इज़ एल दे, आप देखो इस वियर के अंदर, ट्राइंगुलर वियर के अंदर कोई लेंथ ऑफ क्रेस्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें क्रेस्ट है ही नहीं, रेक्टेंगल के अंदर क्रेस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ। तो जो आपका एल है वो इस फार्मूले के अंदर है, इधर वाले फार्मूले में, तो जो वो क्या है लेंथ ऑफ क्रेस्ट, वो क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब ये सारी वैल्यूज फाइंड करके पुट करना है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ जो है ना वो क्यू आ जाएगी, क्लियर होगी ये वाली बात। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा जो है ना उसमें गो थ्रू नहीं कर रहा, ठीक है। आपको पता है इसको ऑलरेडी, आपने ये है क्या, तो इसको उसको गो थ्रू कर लेना, ये बहुत सिंपल है। हमने जो पहले दो वाले प्रैक्टिकल किए हैं बिल्कुल वही वाला है ये वाला, सही हो गया, कोई उसमें जो है ना वो चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये वही है सारा कुछ, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बेसिकली जो तीन हमने वैल्यूज फाइंड की हुई हैं फ्लो की, हम इनको प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वाकई ही आंसर यही आता है या कुछ और आता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।